चीज आइडियाज। अगर आपके इस समर वेकेशन शुरू हो गए हैं तो हैप्पी समर वेकेशन टू ऑल ऑफ यू जो इस वीडियो को देख रहा है। सो टुडे आज हम बनाएंगे सम समर क्राफ्ट, आपके काम आएंगे समर में, बिकॉज गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में तो अपन पिघल जाते हैं और आइसक्रीम खाने का इतना मन करता है क्या कहें। और आपके यहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बहुत गर्मी हो रही है ना, तो कमेंट में जल्दी से ना फायर इमोजी डाल देना। एंड मुझे एक और चीज़ बताना, आपके स्कूल में आपको कितने दिन की गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती हैं? मेरे स्कूल में तो बस 50 दिन की मिलती हैं। आप भी बताना आपके स्कूल में कितने दिन की मिलती है। टाइम वेस्ट ना करें तो जल्दी से अपन वीडियो की तरफ चलते हैं और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। वेट 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 वेट, आपने सोचा था अपन इतनी जल्दी वीडियो की तरफ चलेंगे? बिना सब्सक्राइब एंड लाइक चैलेंज के बिना अपन नहीं जा सकते, तो मैं आपको बस 5 सेकंड दे रही हूँ, घूम के एक बार जल्दी से सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द सब्सक्राइब एंड लाइक चैलेंज। 5 4 3 2 1। अगर कर दिया हो ना तो बता देना, नहीं करा तो कर दीजिए जल्दी से। चलो अब चलते अपन वीडियो की तरफ। द फर्स्ट DIY क्राफ्ट वो है, अगर आपको पता ही हो गर्मी में लाइट चली जाए तो अपन की हालत खस्ती हो जाती है। और क्या अपन बाहर लेके कहीं जाते हो फिर सोचते पंखा तो है नहीं तो किससे गर्मी करें ख़त्म। तो उसके लिए अपन करेंगे एक फैन, वो अपन से लेके भी जा सकते हो और घर में यूज भी कर सकते हो। आप सोचोगे जी कहाँ से एक फैन है, तो बस ऐसे ही है। एक मिनट रुकिए, देखिए तो ये देखिए कितना सुंदर सा फैन है, इससे अपन गर्मी भी कर सकते हैं अपनी खत्म। ये फैन आपकी गर्मी भी खत्म करेगा और आपको रिफ्रेश भी कर देगा, वो भी बस 2 पेपर चाहिए आपको इसको। हाँ, इसने तो मेरी गर्मी को रिफ्रेश ही कर दिया, अब मेरी गर्मी खत्म हो गई है। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरह। सबसे फ्रूट फैन को बनाने के पर कुछ 2 A4 साइज पेपर और अपन को 2-3 चीज और चीज़ बढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी अपन को चाहिए बस एक पेपर और उसके 1 साइड को अपन करेंगे 15 सेंटीमीटर और एक को करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो इसको अपन 30 या 15 सेंटीमीटर काट लेते हैं। काट लेने के बाद अब इसको पहले आपको नाप कर दो कि 13 और 15 सेंटीमीटर ये। तो इधर से 1/5 और इधर से 1/15 ये हो गया और इधर से पूरा 1/15 और ये होगा 30 इधर से और 15 इधर से। इतना करने के बाद अपन इसको करेंगे कलर साइड से, वो भी मैं इस कलर से कर रही हूँ। आप गेस करके बताइए मैं कौन सा फ्रूट इसमें बनाऊंगी, वो इसे मैचिंग होगा। तो इसको अपन जल्दी से कलर कर लेते हैं लाइक। अगर आपने गेस कर लिया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा मैं कीवी जा रही हूँ। कीवी, अगर आप बताना आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है कॉमेंट में। वैसे मैं इसमें इधर कर रही हूँ, सेम टू सेम आपको दूसरी साइड पर भी ऐसे ही करना है। वैसे मैं इधर किया है, वैसे हम सेम सेम इसका भी बता लेंगे, कर लेंगे और ये हो चुका है। और अपन अब इसको 2 पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। टू पार्ट में इनको सेपरेट करने के बाद आपको क्रॉस पैटर्न पता हो चेक पर ऐसे करने वाला, तो अपन इसको भी कर लेते हैं। चेक पैटर्न करने के बाद चलो इनको कर सकते हैं, इनको अपन ग्लू कर देंगे टुगेदर। ग्लू होने के बाद इसे इसको कर सकते हैं साइड और अपन लेंगे अपना दूसरा पेज दैट इज यूजफुल और इसका अपन नीचे से इधर से काट लेते हैं। तो अपने बाल में कहाँ आया था इसका, तो कट गया है। तो फिर अपन इसको वापस ले लेते हैं और इसको अपन इधर रख देते हैं और इधर रख लेंगे, इसको थोड़ा ड्यू कर लेते हैं फिर चेक कर लें। और इसके बाद अपन इसको पंखे का हैंडल बनाने के लिए यूज़ करेंगे, रोटेशन करके इसका ड्यू करने का, इसको सबको रोटेट करके लेना है। चल कर लें और इसको अपन यहाँ से ग्लू करके इधर स्टेपलर कर देंगे। ग्लू करने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मैंने खोल दिया है। और अब हम करेंगे, सोच के बताना क्या करना है। वो हम पेपर लेंगे, वो अपन ने साइड करा था
लिए ही, और इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा है। छोटा करने के बाद अपन इसके ऊपर इसको रैप कर देंगे। छोड़ देंगे और अपन को स्ट्रिंग दो ले लीजिए इसके, तो इसको अपन लगाएंगे इसका वर्क करने के पंखे को, ये खुल जाते हैं और बंद हो जाते बिना डर किसी लगा लीजिए, और उसको इसके कोने वाले इस एरिया पे चिपका दीजिए अंदर की तरफ से, तो ये वर्क कर सके लाइक दिस। सेम साइड को ऐसे ही करिए विद द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग से आगे चिपकाने का रही पीछे स्ट्रिंग बची है, इसको आप यहाँ से ग्लू करना, ग्लू कर दीजिए, टेप करें टेप कर दीजिए, मेरे दोनों कर रही हूँ तो अच्छे से सिक्योर हो जाए। करने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, अब दूसरा पेपर लाते हैं, वो बचा हुआ था ये, और इसको इसी के ऊपर रैप करना है, इसके ऊपर इस पर नहीं करना है, इससे चिपक गया तो ये काम नहीं करेगा, तो अपन को इसके ऊपर इसको रैप करना, तो ये टेप वगैरह ना दे तो सुंदर दिखे। रोल करने को देखो कितना सुंदर लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। देखिए वो इधर से गड़बड़ हो गई थी, वो ठीक हो गया। चलो अब हम बनाते हैं इसके लिए, तो पैसे चिपका सको दिखाएं जी टीवी का ही है, तो इस पे लगाने के लिए कीवी वाली है, तो अपन स्टिकर बनाएंगे, और आपको पता ही है स्टिकर कैसे बनाते हैं, नहीं बताया तो मेरे वीडियो को देख लीजिए, उसकी लिंक में डाल दिया है, इसको स्टिकर बनाना सीखना है तो मैंने पेपर पे सर्कल कट ऑफ कर लिया है, तो मैं इसे ओपन कट की दिखाऊँ उसके व्यू था, तो चलो फिर बता इसको बनाना। इसको टेप करने के बाद अब करेंगे इसको कट, कितना सुंदर लग रहा है। इट्स डन, इट्स सो क्यूट ना, वैसे बंद कर दी, देखो कितना अच्छा रिफ्रेशिंग और कितना प्यारा भी है ना। चल जाए अपन अपने सेकंड समर क्राफ्ट की तरफ, जितना प्यारा बना है तो अपन चल अपने सेकंड क्यूट क्राफ्ट की तरफ, चल चलते हैं जल्दी से टाइम वेस्ट बिना करे बिना। इससे मतलब जैसे मैं इसको लेकर अपनी मैजिक वॉल बना रही हूँ, तो आज हम बनाएंगे बुकमार्क। अगर आपको पता हो गर्मियों में अगर को पढ़ना ही पड़ता है, तो पता क्या गोल कंप्लीट करने के लिए, और आप ऐसे कल का पेज भूल जाते हो कौन से नंबर पेज पढ़ रहे थे, तो मैं आपके क्यूट बुकमार्क बनाना सिखाऊंगी, वो भी बस पेपर से उसकी स्ट्रिप से। तो चलते हैं और जल्दी से ले आते हैं कलर पेपर, कलर स्ट्रिप्स। ये सारी मैंने 6 रंग लिए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू। अपन को बस चाहिए बस ग्लू, और ये हो गया अपने बस डन, बस एक मिनट लगेगा इसको बनाने में। टू स्ट्रिप्स लीजिए, उसको ऐसे कर लीजिए, फिर दूसरी और भी स्ट्रिप्स लेके कुछ ऐसे ऐसे करते रहिए इसको लाइक दिस, ऐसे करने का ऐसा रेनबो ही है पूरा। और बस अपन को ऐसे ब्रेड बनाते जाने हैं, अपन को ब्रेड बनाने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, लाइक दिस करते जाने हैं पर इसको फोल्ड, और ऐसे ही सबको ऐसे ऐसे करते जाना है एंड से लेके ऐसे। जब थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो आप इसको काट दीजिए, एंड इसका ग्लू कर दीजिए, तो ये लिख लेना इट्स कंप्लीट। और एक बुक लाइए, लाइए और इसको खोलिए और इसमें आप रख दीजिए एंड बंद कर दीजिए। ये देखिए कितना क्यूट बुक मार्क बना है, रेनबो रेनबो। तो देखा आपको अच्छा लगा, एक मिनट में कंप्लीट भी हो गया। अब चलते अपने तीसरे क्राफ्ट की तरफ, अब चलते अपने तीसरे एंड फाइनल क्राफ्ट की तरफ। अब वो होगा अपना गैस होल्डर, जिसमें अपन अपने कार्ड्स वगैरह सब रख सकते हैं। तो चलो बनाते हैं, आपको बस इसके चाहिए पेपर, टेप और डेकोरेशन करने के लिए आपको चाहिए। तो जल्दी से एक ए फोर साइज पेपर लाते हैं, है? और इसको बराबर से 3 पार्ट में फोल्ड कर लेते हैं, है? ये 3 पार्ट फोल्ड हो चुका है,
और अब एक सी जोड़ा सा पैटर्न बनाते हैं, इसको काट लेते हैं। देखिए सी जोड़ा ऐसा पैटर्न बन चुका है। अब ऐसे मैंने फोल्ड कर चेक पैटर्न में इस तरीके से ऐसे ही कर लीजिए, और इसके साइड साइड में आप टेप लगा दीजिए। लगाने के बाद देखिए ऐसा लगेगा। तो अब हम इधर एक हार्ट बना लेते हैं, क्या आप वो शेप बनाने स्टार बनाने वो ना आप बना सकते हैं लाइक दिस। और अब अपन करके फाइनल डेकोरेशन कर लेते हैं, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये बस थोड़ा सी बचा है, तो हम इसे जैसे काटना है तो इसमें हम चीज़ें डाल सके। काटने के बाद ये अपना कंप्लीट हो गया, कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो इसमें कुछ रख के देखते हैं, और इसको अपन टांग भी सकते हैं, और हम इसको बुक में भी रख सकते हैं, कॉपी में। तो अपन इसको अपने स्कूल में कुछ रखने के काम आए। तो अगर आपको ये समर क्राफ्ट अच्छे लगे तो मैंने पहले ही कहा था सब्सक्राइब लेकिन शेयर तो कर देना, फिर भी कह दूँ कर दीजिए, नहीं कहा प्लीज़ कर दीजिए। और अगर कैसे अमेजिंग वीडियो चाहिए है तो आपको ये क्राफ्ट अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और बाय गाइस टू ऑल ऑफ यू।